68 अभ्यर्थियों की अंतिम परीक्षा जिनको ज्वाइनिंग मिलने जा रही थी उसको प्रभावित किया सरकार ने, इसके अलावा को प्रभावित किया। हमसे 5000 अभ्यर्थियों की भर्ती जो अगले 6 महीने मिल जाती सरकार की इस SIT जांच में, इस उहापोह ने, इस पीठ थपथपाऊ योजना ने उसको खतरे में डाल दिया। मेरे अभ्यर्थियों से भी गुजारिश है वो जाए और पूछे ये 5000 नौकरियां क्या 5 साल बाद कैसे मिलेगी और क्या कमीशन सिर्फ 10 से इस तरह की और नौकरियों की परीक्षा करवा पाएगा। कमीशन की प्रतिष्ठा है, प्रेस्टीज है, भी हो जाएगी। अगर 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 कमीशन प्रतिष्ठा है, कमीशन प्रतिष्ठा के साथ अन्याय होगा। और आज बता दूं, आज भी कमीशन एक ऐसी जगह पूरे भारतवर्ष में जहां चप्पल पहनने वाला लड़का SDM होता है। जाके घर में देख लीजिए यार, चला झाड़ू तक ठीक से नहीं है, साइकिल तक मोटरसाइकिल तक नहीं लोग खरीद पाते। और आप साहब, आप तो बड़े भ्रष्ट हैं, आप तो करोड़ों रुपए की यहाँ खरीद कर रहे हैं और उसके और उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसे मनमानी नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी बात जो महत्वपूर्ण है, केसीएस संघ के एसोसिएशन के महामंत्री श्री गंगवार साहब से मेरी बात हुई थी, वो पूरे अपने 1100 कैडर के साथ आपके साथ हैं, वो अपनी बैठक कर रहे हैं, उनका आपको समर्थन है। आज PCS एसोसिएशन भी आपके हड़ताल, और यही नहीं, आज आपने पेपर में देखा होगा सरकार का भी कोई बयान नहीं है, सरकार बैकफुट पर है, सरकार जानती है कि SDM से गलत करवा रही है, सरकार को पता है, सरकार जानती है कि लड़ाई आगे खींचेगी तो हमारी हार होगी, सरकार हारेगी, सरकार का भंडा फूट जाएगा, इसीलिए वो SIT गठित, आज SIT गठित करने की सूचना है। कौन SIT? वो SIT किसी SIT और किसी SDM के जुड़ेक्शन में कमीशन नहीं आता। हम क्यों कमीशन, हम लोगों के बच्चों को अन्न देता है, कमीशन के साथ हम लोग अन्याय नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात बता दूं, आज सरकार के जो आरोप है, व्यवस्था के जो आरोप है, अगर कमीशन जैसी ईमानदार संस्था 10 और हो जाए पूरे उत्तर प्रदेश तस्वीर बदल जाएगी, और हमको बेईमान बताया जा रहा है। SDF ने तो वो घृणित कार्य किया है जिसकी कल्पना नहीं करते। SDF ने 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता और 20 लाख अभ्यर्थियों को खतरे में डाल दिया है। SDF ने 2018 PCS मेंस का पेपर आउट कर दिया है, मुझे जानकारी है, लोग बताया जा रहा है कि पेपर के सवाल तक आउट कर दिए हैं उन्होंने। उनको क्या अधिकार थे सवाल आउट करने के, क्या अधिकार थे उनको बंद पेपर मिला तो उसको हमारे पास पहुंचाने के, उनको क्या अधिकार था अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का। हमारी परीक्षा लगी 16 तारीख से, 1000 लोगों को न्याय मिलता, 1000 लोगों को नौकरी मिलती और STF उसको रद्द करती, हम 1 साल तक परीक्षा नहीं करवा पाएंगे। क्या कर रहे हैं STF अभ्यर्थियों के साथ, न्याय कर रही है कि अन्याय कर रही है, या सत्य कर रही है असत्य कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं ये पूरी जांच STF SIT से हटा करके तुरंत CBI को दी जाए, CBI से नीचे की किसी जांच पर हम किसी जांच कोई भी जांच हमको मंजूर नहीं है। अभी CBI की जांच आपके आई थी, CBI जांच कर रही तमाम मामलों में, अभी चल रही है यह जांच भी, उसको दे दिया जाए। कोई STF कोई SIT हमें स्वीकार नहीं है, हमें किसी भरोसा नहीं है CBI के अलावा। और सरकार से कहना चाहूंगा, सरकार भी CBI पर भरोसा करना सीखे, सरकार भी CBI भरोसा करे, और उसको भी करना चाहिए। CBI इस देश की सर्वोच्च जांच संस्था है, जैसे KGB रूस की और ISI पाकिस्तान की। अच्छा। तो इस तरह से CBI पर भरोसा रखे, CBI भरोसा रखे, और हमारी बात करके तुरंत जांच को, STF LT के पेपर आउट जांच को तुरंत CBI को दे। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। दिनेश पांडे, अध्यक्ष कर्मचारी अधिकारी संघ। मैं सत्य की लड़ाई, जब तक ये सत्य उद्घाटित नहीं होता तब तक लगता रहूंगा, और ये आंदोलन, ये धरना चलता रहेगा।